सभी को नमस्ते। आज हम बहुत सारे जो आपके अंदर डाउट्स हैं प्रैक्टिकल्स से रिलेटेड, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मेरे माइंड में लगातार चल रही थी और उससे मैं सेटिस्फाई होना चाहता था, उस बात को रखना है। वो बात है कि आप लोगों को सामने सामने एक्सपेरिमेंट स्वयं, जो कि आप स्वयं अपने आप कर सकें, ऐसी व्यवस्था के बारे में लगातार प्रेयर कर रहा था। ये महामारी का प्रकोप कम हो और गवर्नमेंट हमें अलाउ करे कि बच्चों को बुला के लैब में एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएं, लेकिन फिलहाल अभी तक तो संभव नहीं हुआ है। यही वजह रही है कि हमने वहाँ लैब में स्वयं जाके कुछ प्रैक्टिकल्स को स्वयं करते हुए डेमोंस्ट्रेट किया है। आपको प्रॉब्लम यह है कि एग्जामिनेशन जब होगा तो आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये बहुत सारी शंकाएं आपके माइंड में होंगी। उसके लिए हमारा क्या प्लान है? अभी फिलहाल जो हमें समझ में आ रहा है उनको ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमको जो बेस्ट लगा, जिसको मैं आपके सामने लैब क्लास के लिए वीडियो लेक्चर्स के रूप में आपके सामने डाल रहा हूँ, बुक भी आपसे परचेज करने के लिए शुरुआत में ही कह दिया था। पता नहीं कितने लोगों ने बुक को परचेज किया, कितनों को नहीं, कितनों ने नहीं किया। BSc पार्ट वन में खासकर मैं शुरुआत में एक दो कापी जो पिछले पुराने बच्चों की थी उसकी स्कैन करके आपके सामने रखा, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे भी और आप लोगों को भी नहीं लगा होगा। फिर मैंने जो बुक आपको रिकमेंड करी थी उस बुक की जो भी संबंधित एक्सपेरिमेंट था उसकी स्कैन करके कॉपी और आपके सामने वीडियो लेक्चर आपके सुनने से पहले उसको डालने का हमने एक तरीका सामने रखा है आपके। मुझे लगता है कि अगर आप सीरियसली सिंसियरली उसको देखेंगे और देख रहे होंगे वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जो लोग नहीं भी सीरियसली अभी तक देखे हैं, हमारे YouTube वीडियो लेक्चर की एक खासियत है कि आप बाद में भी देख सकते हैं, तो अभी भी आप देख के उस पर कॉन्फिडेंस बनाएं। जो प्रैक्टिकल कॉपी आपको बनानी है उसके बारे में हमने एक पोस्ट लिखी भी थी, कुछ बच्चों ने उस पर क्वेश्चन भी उठाए थे, मैंने जवाब प्रॉपरली नहीं दिया है, तो आप इसमें सबसे पहले हम प्रैक्टिकल फाइल की बात करते हैं। ये जो फाइल के रूप में आपको दिख रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पर पिछले साल के जो बेस्ट स्टूडेंट था BSc थर्ड ईयर का, उसकी बनी हुई कॉपी है। उसने ये फाइल खरीदी, फाइल आप कैसी भी बना सकते हैं, उसने ऐसी फाइल बनाई है और इसी में उसने जो लूज पेजेस हैं वो उनकी व्यवस्था करी और इसी में प्रैक्टिकल्स को लिखा, देखिए दोनों साइड में, ताकि जगह भी हमारे पर पेजेस भी कम यूज़ हों, दोनों साइड में लिखा है। और ये जो ग्राफ पेपर्स हैं जिनकी हमने फोटो कॉपी, ये तो थर्ड ईयर की कॉपी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ग्राफ पेपर्स जो है प्रॉपर स्केल के साथ यहाँ पे बनाए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, ये एक्स एक्सिस पे है पैरामीटर, ये वाई एक्सिस पे पैरामीटर है। ये इस तरीके से जो है यहाँ पे स्केल एक एज्यूम करी, वो स्केल यहाँ पे लिखी जाती है कि एक्स एक्सिस पर हमने कौन सी स्केल ली, 1 division = कितने,
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें वोल्ट लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एक्सपेरिमेंट की, और इसमें 1 division = 0.025 वोल्ट ले लिया, वाई एक्सिस पर 1 division = 0.0025 मिलीएम्पियर ले लिया है, और इस तरीके से उसने ग्राफ प्लॉट करा है। वैसे ही आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में किसी में ग्राफ नहीं भी प्लॉट करना है, बीएससी पार्ट वन में खासकर किसी में करना है, ये फाइल तैयार की। मैंने पोस्ट में लिखा कि सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, यहाँ टॉप पे हेडिंग डालनी है, लेकिन हेडिंग तो आप डाल लेंगे लेकिन उसमें एक्सपेरिमेंट नंबर नहीं लिखेंगे, ऐसा मैंने लिखा था। उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, डिटेल्ड ऑब्जेक्ट लिख डालेंगे, एपरेटस रिक्वायर्ड जो भी बुक हमने प्रोवाइड कराई है या जो हमारी वीडियो में आपको एपरेटस रिक्वायर्ड दिखाई दे रहे हैं, कोई अगर इसमें छूट गए हैं तो उसको शामिल करें, जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। बीएससी पार्ट वन के बच्चे को मैंने कहा है उसमें हम डाल जरूर रहे हैं मेथड लिखने को, मतलब आपके पढ़ने के लिए, ताकि आपको वीडियो समझने में और हेल्प मिले, लेकिन आपको जो हमारी फाइनल जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें आपको ये नहीं लिखना है, मेथड नहीं लिखना है। बीएससी पार्ट वन के बच्चे सीधे से फॉर्मूला या फॉर्मूले यूज्ड जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है उसको लिखना है। फॉर्मूला आ गया, उसके बाद में वेयर ये जो सिंबल्स लिखे होते हैं उनके मीनिंग्स लिखे होते हैं वो पूरे लिखने हैं। इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस में ऑब्जर्वेशन टेबल्स हैं जैसा कि आपके मैनुअल में या आपकी बुक में दिखाई दे रहा है, उसको आप उसी प्रोसेस में आप लिखेंगे। टेबल्स अभी बना के आपको छोड़नी है, उसके बाद आप कैलकुलेशंस की जगह छोड़ेंगे जो भी एक्सपेक्टेड है, जो हम कॉपी भी जो बीएससी पार्ट वन वाले बच्चों को कॉपी भी डालेंगे। बीएससी पार्ट थ्री में तो पूरे के पूरे तरीके से हम कॉपी जो अच्छी कॉपी बच्चे की है उसको मैं डाल रहा हूँ, और आपको पूरा आइडिया मिल रहा है कि क्या क्या लिखना है। पार्ट वन वाले बच्चे कैलकुलेशंस के लिए जो भी आपको दिखाई दे रहा है रेंज, एक डेढ़ पेज छोड़ दीजिए, और जैसा भी एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से रिजल्ट पार्ट वन वालों को लिखना है, पार्ट थ्री वालों को रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखना है, और सोर्सेज ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस जो आपको प्रोवाइड करी गई हैं उनको एज सच करें। जो जो एक्सपेरिमेंट आपके वीडियो लेक्चर्स के रूप में आपको मिलते जा रहे हैं उनके सबके लिख के पहले से तैयार करें। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार हमें बुलाने की परमिशन मिलती है लैब में 50% स्टूडेंट्स या 30% स्टूडेंट्स को बुलाने का हमें मौका मिलता है तो हम बारी बारी से बुलाएंगे, और एक्सपेरिमेंट्स में जो एपरेटस आपको मतलब इशू कराने के बाद आप तुरंत 1-1.5 घंटे में स्वयं ही एक्सपेरिमेंट वहाँ लैब में हमारे प्रेजेंस में आप उसको करेंगे और टेबल्स भर लेंगे, जो नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें आप इसको कंप्लीट करके फाइल को चेक भी करा लेंगे। दिक्कत जो सबसे बड़ी ये है कि आप सब लोग एक्सपेरिमेंट नंबर हम क्यों नहीं डलवा रहे हैं, जैसे इसमें आपको 1 से लेकर 10 एक्सपेरिमेंट इसमें लिखे हुए हैं इसके अंदर, तो वो 10वां एक्सपेरिमेंट सबके एक क्रम में नहीं हो सकते। लैब की जो व्यवस्था है उसमें सपोज करते हैं कि 20 एक्सपेरिमेंट उसमें लगे हुए हैं सेटअप के रूप में, तो 20ों को जी बार पेंडुलम नहीं एक साथ कराया जा सकता या ईटा मैक्सवेल नीडल नहीं कराया जा सकता है। जब आप पहले दिन आएंगे तो किसी को जी बार पेंडुलम इशू को अलॉट किया जाएगा, किसी को ईटा मैक्सवेल नीडल किया जाएगा, किसी को इनर्शिया टेबल किया जाएगा, किसी को मेल्डीज एक्सपेरिमेंट इशू किया जाएगा। जिसको जो एक्सपेरिमेंट इशू किया जाएगा वो बच्चा वही एक्सपेरिमेंट करेगा, ताकि सबको
जितने लोगों को बुलाया है उनको इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट करने को मिल जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि किन्हीं दो बच्चों का ग्रुप बना के एक साथ करने को कह दिया जाएगा। अगर वहाँ 10 एक्सपेरिमेंट चालू हमने करे तो 20 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। यही थर्ड ईयर में है, चाहे हमने फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट करके बताया हो, चाहे हमने फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट करके बताया हो, जो भी एक्सपेरिमेंट हमने वहाँ पे करके बताया है वो एक्सपेरिमेंट उसी ढंग से आप स्वयं वहाँ पे करेंगे। थर्ड ईयर में तो हमने ऑब्जर्वेशंस भी पहले एक्सपेरिमेंट को छोड़ के हमने उसमें रहने दी हैं, और अगर ऐसी कोई बात आती है कि लैब आने की सुविधा नहीं मिलती है तब हम अलाउ करेंगे कि आप पुरानी वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं, चूँकि एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस है, एक्सपेरिमेंट को आपको करना आना चाहिए। वीडियो के थ्रू अगर आपने पूरे तरीके से सीख लिया है, ऑब्जर्वेशन लेने लायक हो चुके हैं, अगर आपको मौका मिलता है और आप ऑब्जर्वेशन लेने में सक्षम हैं तो आसानी से आप एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम में कर सकते हैं या कहीं भी कर सकते हैं। देखिए, आर्ट्स में और साइंस में जो फ़र्क है, सब्जेक्ट का तो फ़र्क है ही, इसके अलावा दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है प्रैक्टिकल्स का। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से, और जो कि प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम पढ़ते हैं उसका रियलाइजेशन लैब में हमको करना चाहिए। हालांकि हम मतलब ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नहीं करते हैं, कुछ बच्चों का एक्सपेरिमेंटल इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो बहुत समझ के करते हैं एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो आपको पेजेस जो है आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी लैब में जिस क्रम में मिलती जाती है उसी क्रम में एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से होता जाएगा। तो आप उस क्रम में अपने एक्सपेरिमेंट्स लिखते चले जाएंगे। जिसको पहले एक्सपेरिमेंट सपोज करते हैं, किसी को इनर्शिया टेबल एक्सपेरिमेंट पहले करने को मिला तो वो इनर्शिया टेबल एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेगा। जिसको ईटा मैक्सवेल लीडल पहले एक्सपेरिमेंट करने को मिला तो ईटा मैक्सवेल लीडल उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट हो सकता है मेल्डीज एक्सपेरिमेंट करने को मिले तो वो मेल्डीज एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसी थर्ड ईयर में कि मत ये ब्रिज रेक्टिफायर अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पहले करने को मिलता है तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ब्रिज रेक्टिफायर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किसी बच्चे को, उसी सेम बच्चे को एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट करने को मिलता तो उसका फोटोडायोड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हो जाएगा। एनर्जी बैंड गैप डिटर्मिनेशन का एक्सपेरिमेंट मिलता है तो एनर्जी बैंड गैप एक्सपेरिमेंट उसका नंबर 3 एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। ये सभी के लिए अलग अलग होता जाएगा, लेकिन एक बार जो ग्रुप बन जाएगा उस ग्रुप के जो दो बच्चों का, या मजबूरी हुई तो 3 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन में 2 से ज़्यादा बच्चों का ग्रुप बनाना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा, क्योंकि सारी स्ट्रेंथ एक साथ बुलाने की हमको संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जब कम बच्चे आएंगे तो हम 2 से ज़्यादा का ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार होती जाएगी। अगर फिर भी मौका नहीं मिलता है तो जो हमने कराया है उनके जो मैनुअल्स प्रोवाइड करे हैं और उन मैनुअल्स के हिसाब से आप जो भी तैयारी होती है उस तैयारी के साथ फाइल अपनी प्रिपेयर करेंगे, वही आपके एग्जामिनेशन में काम आएगी। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर एक्चुअल में हमें वहाँ लैब में प्रैक्टिकल करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा? तो इसका जवाब हम लोग के हाथ में अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन में चोरी से किसी तरीके से आपको बुलाते भी हैं और पता चल जाता है तो वो एक तरीके से इस समय जो कानून के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा और वो चीज़ हम लोग को नहीं करना है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो ये बात है कि मैं तो ये रियल लैब एक्सपेरिमेंट पर भरोसा करके और उसको करवा रहा हूँ। कुछ लोग मतलब अदर टीचर्स हैं वो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी करा रहे हैं। मेरा उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा आज भी
एग्री नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि रियल लैब में जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं वो रियल लैब वाला जो एक्सपेरिमेंट है वही असली एक्सपेरिमेंट है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप रोड पे कार ड्राइव करते हैं या किसी गेम में कार रेसिंग वाली जो मोबाइल में और लैपटॉप में आप लोग खेलते हैं, जमीन आसमान का फर्क होता है। बिना एक्सपेरिमेंट्स के रियल में एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करे बिना सब्जेक्ट का जो रियलाइजेशन है मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग करना ही चाहते हैं, मतलब ऐसे अगर आपके पास टाइम मिलता है तो मैं आप लोग को अलाउ कर रहा हूँ कि वर्चुअल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। उसका जो मैं उसमें पोस्ट में लिख भी दूंगा, फिलहाल मैं आपको बताई दे रहा हूँ vlab, उसके बाद डॉट डॉट लगाइए, अमृता AMRITA amrita.edu ये वेबसाइट है, इसको आप खोल लीजिए वेबसाइट को और उसमें एक लॉगिन आएगा। जो लोग पहले से लॉगिन हैं उनको कहा जाता है कि आप लॉगिन करें, नहीं आपका लॉगिन है आपने उसको नहीं देखा वेबसाइट को तो एक लॉगिन क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद आपका खुल जाएगा, उसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको मिलेगी, जो एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं उसकी जैसे कि इस कॉपी में या किसी बुक में आपको मिलता है उसके अंदर थ्योरी प्रोसीजर एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। एक सिमुलेटर है उसको चलाते हैं, मतलब जो आप अपने हाथों से करते हैं रियल लैब में उसमें आप कर्सर से करते हैं। तो आप उसको जैसे सपोज करते हैं बार पेंडुलम आपको करना है तो बार पेंडुलम आप एक किनारे कर्सर से ले जाएंगे और उसके बाद आप छोड़ देंगे, वो ऑसिलेट करेगा, वहाँ पे एक जगह बनी होती है क्लॉक की, तो क्लॉक आप चालू करेंगे, आप उसमें काउंट करेंगे और वहीं पे जाकर आपको फिनिश करना है वहाँ पे आप मतलब उस पर स्टॉप कर देंगे, ऑसिलेट कर रहा है करने दीजिए और उसका टाइम आप नोट करेंगे 20 ऑसिलेशंस का और उसके बाद उसमें टाइम आप रिकॉर्ड करेंगे। और जब आप ये सारी ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे, जो जो संबंधित एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्रोसीजर में लिखा है क्या क्या करना है, सिमुलेटर पे जाके आपको करना होता है। फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपको उसकी पोस्ट डाल दूंगा, लेकिन मैं स्वयं उसको डेमोंस्ट्रेट करना उचित नहीं मानता, मैं रियल लैब को मानता हूँ। जब तक मेरे से संभव है मैं रियल लैब ही करवाना चाहूँगा। आप लोग ये समझ रहे होंगे आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में कि भाई कुछ दूसरे सेक्शन वाले बच्चे वो कर रहे हैं क्या कहते हैं वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट्स, उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। 50% सहमत हूँ कि अगर कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आप वर्चुअल लैब में आप कर सकते हैं, इतना मैंने आपसे अलाउ कहा है। जो हम वहाँ पे पता चला कि हमने जो है लाइव क्लास में आपसे कहा ये खोलिए ये करिए आप सिमुलेटर ऑन करिए फिर इसको आप इसमें टाइम पीरियड नोट करिए प्रोसीजर के हिसाब से और उसके बाद ये रीडिंग आ गई, जब रीडिंग आ गई तो उसमें जो है उसमें जब टेबल में भरी है फिर ग्राफ प्लॉट करने का भी प्रोसीजर है, उसमें ग्राफ भी प्लॉट हो जाएगा और उसके बाद कैलकुलेशन भी हो जाएंगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट आपका हो जाएगा। ये BSc थर्ड ईयर के एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, BSc थर्ड ईयर के एक्सपेरिमेंट में हमारे और सहयोगियों ने एक्सपेरिमेंट दूसरे क्लास में कराए हैं, उनको भी आप कर सकते हो, आप कर सकते हैं आराम से। मैं ये समझता हूँ जो बच्चा साइंस पढ़ता है, जैसा कि आप सब लोग फिजिक्स लेके पढ़ रहे हैं, मैं स्टूडेंट पहले था अब भी मैं स्टूडेंट हूँ, जो हमारा कॉमन सेंस होता है वो सबसे बड़ा टीचर होता है। मैं बाद में आपका टीचर हूँ, पहले आपका कॉमन सेंस
टीचर है। तो एक टीचर कॉमन सेंस के रूप में आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। आप टेक्नोलॉजी में मेरी समझ के अनुसार ठीक ही हैं, तो आप वी लैब को बोलिए, vlab.amrita.edu एजू वाली वेबसाइट, और उसको लॉगिन करने के पहले क्रिएट कर लीजिए, लॉगिन आपका बन जाएगा और आप जो है लॉगिन करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे, अपने ज़रूरत के एक्सपेरिमेंट उसमें ढूँढ लीजिए और उसके बताए के अनुसार आपका जो कॉमन सेंस है आपको रास्ता बता देगा। हमने शुरुआती रास्ता बता दिया है, सिमुलेटर पे जाएंगे तो वो सारी जो मेथड के अनुसार काम करना शुरू कर देगा और आप उसमें ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते जाएंगे करते। उनको भी आप ऑप्शन में सीखने के लिए जितना आप सीखें, क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमको कुछ अलग अलग सा करना पड़ रहा है, उसको करने में कोई बुराई नहीं, आप सीखेंगे। यू क्रिएट टाइम टू डू मोर एंड मोर अबाउट योर स्टडीज, ये मैं चाहता हूँ। आप अच्छे बच्चे हैं और मतलब कानपुर में तो बेस्ट कॉलेज है ही, वो इस सेंस में है कि नहीं है ये तो आप एसेस करेंगे कि यहाँ के जो पढ़ाने के जो अंदाज हैं, कंटिन्यूटी है, एबिलिटी है टीचर्स की, वो कैसा आपको दे रही है, ये आप खुद ही एसेस करते होंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप एक अच्छी परसेंटेज के साथ पास होके पीपीएम कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, तो आप भी मतलब बहुतों से बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो स्वयं का जो कॉमन सेंस है टीचर के रूप में हमेशा इस्तेमाल करना है। तो आप वर्चुअल लैब वाले एक्सपेरिमेंट्स भी करें, ये जो चाहते हैं ये अभी ऑप्शनल है, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, अगर करना चाहते हैं तो मैं अलाउ करता हूं आप भी करें, लेकिन मैं वर्चुअल लैब के एक्सपेरिमेंट्स अभी फिलहाल कराने के मूड में नहीं हूं, जब तक रियल लैब एक्सपेरिमेंट्स का जो ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं हम करते रहेंगे। कॉलेज अगर हम पहुँचते रहेंगे तो वहाँ पर जाके आपके लिए वीडियो बना के डालते रहेंगे। पहले हमने शुरुआत में एक दो एक्सपेरिमेंट में कम ऑब्जर्वेशंस ली थी, अब मैं पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए जैसा मेरे पास टाइम होगा मैं करके दूंगा, और जब मेरा वीडियो लेक्चर देखें जो हमारी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं मैं अपने लिए नोट करूं या ना करूं, मैं तो वहां पर रफ नोट कर रहा हूं। आप अपनी एक फेयर कॉपी में वो रीडिंग्स नोट करिए और उन रीडिंग्स को आप उसके साथ अटैच कर लीजिए अपने प्रैक्टिकल फाइल के साथ। अगर आपको रियल लैब स्वयं करने का मौका मिल जाता है तो वो ऑब्जर्वेशंस आपको हेल्प करेंगी वहाँ पे लैब में जाके, अगर नहीं मिलता है तो उन्हीं ऑब्जर्वेशन से मैं आपके एक्सपेरिमेंट्स अलाउ कर दूंगा कि इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को लेके आप अपना फाइनल एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए और उसको चेक करवा लिया जाएगा। वो तो एक दिन में हम सारे एक्सपेरिमेंट्स जो जिनकी जो अटेंडेंस है कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंट यूट्यूब वीडियो लेक्चर के थ्रू किया हुआ है उसके हम उनकी चेक कर देंगे काफ़ी, एक दिन में चार चार भी एक्सपेरिमेंट दो तीन बार में हो जाएंगे। हाँ ये ज़रूर है अगर बच्चे अच्छे हैं और हमें बुलाने का मौका मिला तो आप एक दिन में लैब में आके एक एक्सपेरिमेंट तो एटलीस्ट कर ही देंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा 10 या 11 बार लैब आने में आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी एक दिन में एक एक्सपेरिमेंट। दूसरे दिन से जो पिछला वाला एक्सपेरिमेंट है वो हमसे चेक करवा लेंगे, जो आज मान लिया फ्राइडे को आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, सैटरडे को आएंगे तो दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होंगे, साथ में जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट है वो हमसे साइन भी हो जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को आएंगे तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तीसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और पहला और दूसरा दो चेक हो चुके होंगे और तीसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। चौथे दिन आ जाएंगे तब तक तीन एक्सपेरिमेंट चेक होंगे और चार एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। इस पॉलिसी से हम लैब करवाने की प्लान करी है और मैं मतलब जो लैब है उसको करवाऊंगा। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो जो हमने एक्सपेरिमेंट करवाए हैं उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को भर के हम उसको चेक करने के लिए तैयार हैं हो जाएंगे।
अगर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमने जो हमने एक्सपेरिमेंट उसमें पढ़ाया है, उसकी थ्योरी जो डिस्कस की है, उसको आराम से आप उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये मान लिया जाएगा कि इस बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना आता है, एक्सपेरिमेंट की जानकारी है, और उसी से आपका एग्जामिनेशन में एवेल्युएशन हो जाएगा। तो ये हमारी है पॉलिसी, आप दोनों पॉलिसी लेके चलेंगे। अगर गवर्नमेंट अप्लाई अलाउ करेगी तो आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी आके करेंगे, नहीं अलाउ करेगी तो ये जो रियल लैब एक्सपेरिमेंट हमने स्वयं करके आपको दिया है, यही ऑब्जर्वेशंस को आप ध्यान में रखते हुए, जिनके हमने सारे ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए हैं उनके हम जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो किसी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, दोबारा करके हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और उनसे जैसे मान लिया हमने कहा चार ऑब्जर्वेशंस में हम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट मानेंगे, और हमने आपको लैब में दो ही ऑब्जर्वेशंस ली हैं, तो आपकी दो ऑब्जर्वेशंस में ही अगर वो रिजल्ट आ सकता है तो दो ऑब्जर्वेशंस में ही हम अलाउ कर देंगे कि आप अपनी फाइल अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके फेयर कैलकुलेशंस के बाद कंप्लीट कर लीजिए। और अगर मौका मिलता है तो वो चारों आपके द्वारा स्वयं ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी और आप करके सबमिट करेंगे कॉपी। ये हमारा तरीका है काम कराने का। तो आप को हम लूज फाइल लूज पेपर्स वाली फाइल क्यों बता रहे हैं, आप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप उसके बाद आप एक एक प्रैक्टिकल लिखना बाद में शुरू करेंगे, मैक्सिमम टाइम तो इसी में जाता है, ऑब्जेक्ट ऑपरेटर्स फॉर्मूला यूज या थ्योरी लिखने में। बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चों को तो हमने थ्योरी लिखने के लिए कहा है, तो वो थ्योरी पूरी की पूरी जो भी बेस्ट पॉसिबल है अपने हिसाब से उसमें लिखेंगे। ऑब्जर्वेशंस आपकी टेबल बनी हुई है, कैलकुलेशंस थर्ड ईयर वालों को तो बहुत ही कम करने होते हैं, उनको ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, वो हो सकता है कि वहीं लैब में करते हुए वहीं पे आप फेयर कॉपी में भर के वहीं सेम डे आप चेक भी करा सकते हैं, थर्ड ईयर वालों के लिए खासकर। जो पार्ट वन वाले हैं उनको ज़्यादा एक डेढ़ घंटा लगेगा घर में जाके, दूसरे दिन वो चेक करा लेंगे। तो जो सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर है वो सबका अलग अलग होगा, इसलिए लूज पेपर्स में ये हम कॉपी बनवा रहे हैं। बहुत क्लियर। कुछ लोगों को अगर वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट या कुछ लोग या सभी लोग सबको ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है, एक नया वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट का एक अनुभव मिलेगा, इसलिए मैं कहूँगा कि आप vlab.amrita.edu पर जाके लॉगिन क्रिएट करके उसमें भी एक्सपेरिमेंट कर डालिए, और उसमें अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो मैं हेल्प करूँगा, अन्यथा आपस में भी आप लोग जो थर्ड ईयर के हमारे बच्चे हैं वो आपस में जुड़े हैं, कोई थोड़ा कम जानता है कोई ज़्यादा जानता है, किसी का कोई पॉइंट स्ट्रॉन्ग है किसी का कोई पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, आप लोग मतलब इस तरीके की चीज़ें करने में दक्ष हैं, थर्ड ईयर वाले बच्चे तो हमें तो लगता है कि वो स्वयं ही कर सकते हैं। जहाँ तक पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं जो हमने कमेंट देखे हैं लैब से संबंधित, कुछ बच्चों के इतने बढ़िया कमेंट्स हैं उससे लगता है कि दे आर बेस्ट इन देयर एक्सपेरिमेंटल हैंड, तो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा अभी हिचकते हैं काम करने में प्रैक्टिकल करने में, उनकी भी हिचक खुल जाएगी। आपस में पहले प्रॉब्लम सॉल्व करें, जब किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो फिर आप हमसे आप पूछेंगे, और हमसे पूछने पे हम उसमें आपकी मदद करेंगे। तो दोनों ही आपको ऑप्शन हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, ये जो रियल लैब एक्सपेरिमेंट है वो मैं स्वयं करा रहा हूँ, मैं टीचर बन के आपको डिमोन्स्ट्रेट कराता हूँ, और स्टूडेंट बन के स्वयं एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं प्रैक्टिकल में उन ऑब्जर्वेशंस को लेते हुए भी दिखाई देता हूँ। आप ये समझ लीजिए जब आप वीडियो देखें कि मैं ही खड़ा होकर इस लैब पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं ही ऑब्जर्वेशन नोट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक रफ में एक कॉपी में एक किसी पेज में जो भी हमने ऑब्जर्वेशन ली है रीडिंग नोट करते हुए अपने मुँह से जब बोलता हूँ तो आपको सुनाई देता है। आप अपनी एक उसी तरीके के टेबल बना के रखिए और उसमें वो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते जाइए, और ये मान के चलिए कि सर ने मेरे
बिहाफ पे ऑब्जर्वेशंस ली जरूर हैं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन है कि अगर मैं होता या होती ऑब्जर्वेशन लेते हुए, तब भी मैं इसी तरीके से लिखते, तो जो हिचक है एक्सपेरिमेंट करने की वो निकल जाए। तो मुझे लगता है कि कॉपी से संबंधित जो डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर किए हैं कि प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, कैसे बनानी है, विदाउट एक्सपेरिमेंट नंबर जैसे 1 या 2 या 3 लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3 का हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि आपको मतलब लैब में जाके प्रैक्टिकल करने की परमिशन गवर्नमेंट देगी, तो वहाँ पे आप उसी सीक्वेंस में उसका नंबर डालेंगे, जो ऑब्जर्वेशंस आपकी टेबल बनी बनाई है खाली पड़ी हुई हैं उनको तब वहाँ पे जाके तुरंत भर लेंगे। और कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ग्राफ बनाने वाला पार्ट है, वो तो आप अपने घर पे सेम डे कर सकते हैं, या वहाँ कॉलेज में इतनी देर रुकने का मौका मिला है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जल्दी हो गई तो तुरंत का तुरंत तो वहाँ भी बना सकते हैं, उसमें हम उसको जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं मदद करूँगा। नहीं हो पाएगा तो आगे वाले जो अभी तो चूंकि 10-10 एक्सपेरिमेंट हमने लिस्ट डाली है, 3 ही एक्सपेरिमेंट आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, बचे हुए 7 एक्सपेरिमेंट जो प्रस्तुत करने हैं उसकी हम कोशिश करूँगा, चूँकि हमारे पास कॉलेज के बहुत सारे और भी दिक्कतें हैं, मतलब काम हैं, उनमें हमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है, तो जो भी मतलब बेस्ट पॉसिबल टाइम होगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको जो 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 ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे आपके सामने करने के लिए, और आपको मतलब जितनी हेल्प इस तरीके से हो सकती है करेंगे। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, विदाउट द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट वी कैन नॉट कॉल यू टू अटेंड द लैब। ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस है यही आपकी है कि आप वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, और जो हमारा टेक्स्ट हम प्रोवाइड कराते हैं उसके द्वारा आप अपनी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग जारी रखेंगे, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी देखिए गाइडलाइंस जो आती जाती हैं उसी के अनुसार हम काम कराते रहेंगे। थ्योरी तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो रिसीव कर ही रहे हैं, कमेंट नहीं करते आप लोग, ये मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल आप कमेंट नहीं करते, बहुत लोग सीरियसली पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, क्यों आप बोझा बढ़ा रहे हैं फ्यूचर के लिए कि आप फिर इकट्ठे बाद में देख लेंगे, बाद में समझ लेंगे। बहुत से बच्चों ने किताबें भी नहीं अरेंज की, अनसॉल्व पेपर्स भी अरेंज नहीं किए हैं। सबसे बढ़िया तरीका है आप अनसॉल्व पेपर तुरंत खरीदें, उससे जो भी टॉपिक्स, जो भी यूनिट तैयार होती जाएं, उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस पिछले सालों के आप चूज कर लें और उनको देखें कि हम कितना कर पा रहे हैं। अपने आप को टेस्ट करें, अपने को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करें, और जो क्वेश्चंस बुक में पीछे दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें। अभी हम एक टेस्ट भी बहुत जल्दी यूनिट ख़त्म होने के बाद लेने का प्लान कर रहे हैं, टेस्ट भी लेंगे। और अगर आप सीरियसली पढ़े हुए नहीं हैं, हमारे टेस्ट लेने से तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब आपने उतने गहरे स्तर से पढ़ाई कर ली है और टेस्ट दिया है। तो मैं जो असेसमेंट कर रहा हूँ वो तो एक तरफ है, आप अपने असेसमेंट के लिए कि हमको कितना आता है और कितना हम इसमें आउटपुट दे सकते हैं, उस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को एसेस करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टेस्ट देने की, तो टेस्ट में आप अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑब्टेन करने की कोशिश करें, तो आपको कॉन्फिडेंस, अच्छे नंबर जरूर कॉन्फिडेंस देता है और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत करता है, ये बहुत ज़रूरी है। लैब से संबंधित प्रैक्टिकल फाइल तैयार करने के लिए भी हमने आपको बता दिया है, और जो ऑब्जर्वेशंस लेने की जो स्थितियां हैं मैं सामने आपके रख दिया है कि कैसे आपको ऑब्जर्वेशंस लेने हैं। वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आपको हमने अलाउ किया है, लेकिन बस इतना है कि जो स्वयं इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो गाइडलाइंस मतलब
आप स्वयं भी कर सकते हैं। कॉमन सेंस बहुत अच्छा टीचर होता है, हमने कहा कि सबसे पहला टीचर कॉमन सेंस होता है, उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। आपस में भी अगर कोई इंटरेक्शन है तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके जो टेक्निकल डिफिकल्टी उसको रिमूव करें और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। यू कैन डू योर एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर ओन टीचर नोन एज कॉमन सेंस। जो वर्चुअल लैब है उसके एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। आगे के इंस्ट्रक्शंस हम तब देंगे जब हमें ये पता चलेगा कि आपने वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट पे कोई एक्सपेरिमेंट किया तो खूब समझ में आया। अगर मतलब ये करने को कहा जाए तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपस में करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हम केवल करें उसके बाद कहें बेटा ये करो, ये खोलो, ऐसे ऑब्जर्वेशन नोट करो, ये सारे इंस्ट्रक्शन उस वेबसाइट में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम इस बीच में अननेसेसरी बीच में आके क्यों उसमें इन्वॉल्व हूँ? इसलिए मैं उसको स्वयं डिक्टेट नहीं करता, मैं टीच नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें जो है हमको उस वेबसाइट से स्वयं हो सकती हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं स्वयं मेहनत करना पसंद करता हूँ, लैब में जाके रियल एक्सपेरिमेंट खुद करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और आप इमेजिनेशन में मेरे रूप में अपने आप को देख के आप अपना ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ मान के चलेंगे तो निश्चित रूप से आप एक्सपेरिमेंट करना सीख ही जाएंगे। ये मेरा सीधा सा मानना है। जब मैं BSc पार्ट वन में था या मतलब BSc पार्ट टू में आया, मतलब जब भी हमने UGPG एक्सपेरिमेंट किया है या इंटरमीडिएट में एक्सपेरिमेंट किए हैं, पता नहीं क्या बात है कि हम जो मेथड जो बुक में या जैसा कि वर्चुअल लैब में उसमें क्या कहते हैं जो वेबसाइट में लिखे होंगे मेथड, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेता था जब मैं स्वयं स्टूडेंट के रूप में था। कभी मुझे टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ी लैब में जाने के बावजूद कि उस एक्सपेरिमेंट को लिखे हुए मेथड को, मेथड लिखा हुआ सफिशियंट होता है जो कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए करता है। तो दिक्कत ये थी कि उस समय भी जो हमारे क्लास के दूसरे बच्चे जो स्वयं अपना मन लगा के नहीं कर पाते थे, टीचर्स के बजाय हमसे पूछते थे। मैं अपने साथ के सारे बच्चों को, लगभग सारे बच्चों को एक्सपेरिमेंट बताता था, मेरी प्रैक्टिस और अच्छी होती जाती थी और मैं एक्सपेरिमेंट स्वयं करता था, दूसरे अपने साथियों को भी क्लास में कराता था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गाइडलाइंस जो आपको प्रस्तुति मिल रही है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू वो सफिशिएंट होनी चाहिए। रही बात वर्चुअल लैब वाली, वो भी आप अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके, मेथड लिखा हुआ है और उस मेथड को फॉलो करते हुए आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट तो मेरा दावा है कि आप लोग स्वयं कर सकते हो। फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी चीज ये है कि तैयारी अगर आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल की अभी से करके नहीं रखी तो बाद में एक साथ मतलब प्रैक्टिकल फाइल बनाने के चक्कर में आपका जो थ्योरी है वो पिछड़ जाएगी, आप थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल तैयार करते रह जाएंगे। इसको अभी इजी गोइंग दो तीन पन्ने डेली लिखा करो, जो भी एक्सपेरिमेंट आपको सामने आता जा रहा है, और उसको जो भी दो ही दिन हफ्ते में आपके लैब का टाइम टेबल लगा हुआ है उन दो दिन में आपने सीख लिया, बचे हुए तीन दिन में आपने जो है उसको फाइल को तैयार भी, उस प्रैक्टिकल को फाइल में तैयार भी करके लगा लिया वो पेजेस। जब जिस क्रम में आपको रियल लैब में काम करने को मिलेगा उसी क्रम में आप उसको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 3 बना के आप उसमें एग्जाम में करते, मतलब वहाँ पे रियल लैब में एक्चुअल लैब में पहुँच के कर पाएंगे। ये मेरा ये यही सब बातें मुझे करनी थी ताकि आपकी सारी शंकाएँ ख़त्म हों और जो वीडियो लेक्चर्स में वहाँ पर रियल लैब में करके डालता जा रहा हूँ उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, ताकि आपको हो सकता है बहुत अच्छे बच्चे भी हों, हो सकता है रियल जो है 5-7 बच्चे ऐसे भी निकल आए कि एक दिन में 2 एक्सपेरिमेंट भी कर लें वहाँ लैब में जाके, पता चला 5 ही दिन में 10 एक्सपेरिमेंट कर लिए, या ज़्यादा ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट एक दिन में किया, कोई एक दिन में 2 कर लिए,
और ए वो तीन दो तीन दिन में, दो दो तीन दिन करके प्रैक्टिकल भी चेक करा लिए। तो इस तरीके से आपको जो लैब की जो समस्या है, जो टेंशन है, वो खत्म हो जाएगी, और थ्योरी पे पूरा कंसंट्रेट करते हुए आप थ्योरी भी बेस्ट वे में प्रिपेयर करेंगे। ये मेरा मानना है, अपने कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा करके रखिए, अपनी सिंसियरिटी पे भरोसा करिए, अपनी सीरियसनेस पे भरोसा करिए, और जो सामने लिखा हुआ है उसका सही मतलब निकाल के सही तरीके से समझिए, और निश्चित रूप से आपकी हर फील्ड में पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि अब सारी बातें हो गई हैं, और मैं यही वीडियो फिनिश करता हूँ। बड़े वीडियोस को आप अच्छे से देखते नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।